बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ूंगी। ब्रायोफाइटा सबसे सिंपल और प्रिमिटिव ग्रुप प्लांट्स का है जो भूमि पर पाए जाते हैं। ब्रॉन वैज्ञानिक ने 1864 में सबसे पहले ब्रायोफाइटा वर्ड दिया था। प्रोफेसर एस आर कश्यप को इंडियन ब्रायोलॉजी का पिता मानते हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। अब ब्रायोफाइट्स किस जगह पर पाए जाते हैं और किस प्रकार के होते हैं, उनका हैबिट एंड हैबिटेट। अधिकतर स्पीशीज ब्रायोफाइटा की टेरेस्ट्रियल होती हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि पर पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक भी होती हैं, जैसे रिक्सिया और रायला। कुछ स्पीशीज एपिफिटिक होती हैं, एपिफिटिक का मतलब किसी पादप पे उगती हैं, अधिपादपीय हिंदी में कहते हैं, अर्थात बताया आपको वृक्षों के तनों पर, पत्तियों आदि पर पाई जाती हैं। एपिफिटिक ब्रायोफाइट्स ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलते हैं। कुछ स्पीशीज सैप्रोफिटिक भी होती हैं, यानी मृतोपजीवी जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगती हैं, बॉक्सबोमिया और क्रिप्टोथैलस उसका उदाहरण है। इस ग्रुप के समूह के प्लांट्स भारतवर्ष में हिमालय तथा अन्य लगभग सभी पहाड़ों में सामान्य रूप से मिलते हैं, जहाँ पर छाया होती है और नम वातावरण होता है, यानी शेडी एंड मॉइस्ट कंडीशन में ये पाए जाते हैं। मैदानों में भी अनेक स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन मॉइस्ट सॉइल में यानी नम भूमि में पाई जाती हैं, या नम दीवारों पर, या नम ट्रीज पर, या चट्टानों की दरारों में मिलती हैं। प्लांट बॉडी थैलॉइड सुकाई होता है और गैमेटोफिटिक होता है, उदाहरणार्थ हेपेटेसी फैमिली में ये पाए जाते हैं। ये ऐसा थैलॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें जड़, तना और पत्ती में कोई अंतर नहीं होता। नहीं तो ग्रुप म्यूसाय में उदाहरणार्थ मॉसेस, जिनको फ्यूनेरिया भी कहते हैं, फ्यूनेरिया नाम है, इसमें थैलॉइड ना हो करके राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये राइजोइड्स हैं, इनको हिंदी में मूलाभास भी कहते हैं। तना पाया जाता है, स्टेम और लीव्स भी पाई जाती हैं, इनके समान संरचनाएं पाई जाती हैं। राइजोइड्स रूट्स नहीं होते, लेकिन उनके समान होते हैं और ये भूमि में प्लांट को पकड़े रहते हैं और कुछ हद तक एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। ब्रायोफाइट्स में सभी प्लांट्स या तो सिंगल सेल होते हैं, या यूनिसेलुलर होते हैं, या मल्टीसेलुलर होते हैं, और प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है राइजोइड्स को छोड़ करके। तो ये प्लांट्स स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ होते हैं। वैस्कुलर बंडल इसमें नहीं पाए जाते हैं, ना वैस्कुलर टिश्यूज़, यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब है जाइलम और फ्लोएम, और लिग्निफाइड टिश्यूज़ ब्रायोफाइट्स में नहीं होते हैं, ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा, जमे के द्वारा, प्रोटोनिमा के द्वारा या बल्बिल्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाईली ओगैमस होता है, यानी विषम युग्मता दिखाते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं। एंथ्रीडिया से एंथेरोजोइड्स बनते हैं, गैमीट्स, और ये क्लब शेप होता है, एंथ्रीडिया क्लब शेप होता है।
और फीमेल पार्ट आर्किगोनिया फ्लास्क शेप होता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ एक स्टेराइल शीथ या जैकेट की लेयर पाई जाती है। इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी अत्यधिक आवश्यक होता है, जो कि एनिमल्स में एम्फीबियंस की तरह पाया जाता है। अब बात करते हैं स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट सिंपल होता है और इसमें स्पोर सैक पाया जाता है जैसे रिक्सिया में, लेकिन जैसे फ्यूनेरिया या मॉस में स्पोरोफाइट जो है ये फुट सीटा और कैप्सूल में, ये फुट सीटा फुट इसके अंदर एम्बेडेड है, सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट के ऊपर पाया जाता है तथा ब्रायोफाइट्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दर्शाते हैं, यानी दोनों जनरेशन ऑल्टरनेट करती हैं, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन।